सरिस्का बाघ परियोजना की सैर अब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने बाघ अभ्यारण्य में प्रवेश शुल्क सहित सफारी के सभी शुल्क 10% बढ़ा दिए हैं। ऐसे में सरिस्का टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र में पर्यटकों को जिप्सी गाइड फीस से 140 के बजाय 154 रुपए प्रति पर्यटक देनी होगी और इसी तरह कैंटर के लिए गाइड की फीस 50 से बढ़कर 55 और कैंटर किराया 440 से बढ़कर 484 रुपए और जिप्सी किराया 535 रुपए से बढ़कर 589 रुपए देना होगा। यह फीस प्रति पर्यटक के हिसाब से होगी। अभ्यारण के बफर जोन की सफारी में भी शुल्क बढ़ाए गए हैं। नई दरों के तहत बाला किला वन क्षेत्र में भी जिप्सी के लिए गाइड फीस 300 के स्थान पर 330 और वाहन किराया 1300 से बढ़ाकर 1430 रुपए किया गया है। सरिस्का प्रशासन ने बफर जोन में सिलीसेड वाला किला सुगन होदी की टूरिस्ट सफारी के लिए भी दरें बढ़ाई। इनमें भारतीय पर्यटकों को 20 के स्थान पर 22 रुपए तथा विदेशी सैलानियों को 200 के स्थान पर 220 रुपए और वाहन शुल्क 100 के स्थान पर 110 रुपए देने होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, सरिस्का बाग परियोजना की सैर अब महंगी हो गई है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर के? कितना कितना जो किराया है वो बढ़ाया गया है? जी श्रोता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अलवर जिले में जो सरिस्का बाग परियोजना है अब उसकी सैर जो महंगी हो गई है, उन्हें मैं बता दूं कि जो सरिस्का प्रशासन है उन्होंने अब 10% है जो पर्यटकों के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं बता दूं कि पहले जो गाइड फीस थी 140 उसके बजाय 154 रुपए गाइड फीस पर्यटकों को देना होगा। वही मैं बता दूं कि जो जो जिप्सी का जो किराया था 440 उसको 484 रुपए कर दिया गया है। मैं बता दूंगा अब ये भार पूरा पर्यटकों के ऊपर पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब लगातार सरिस्का में पर्यटक पहुंच रहे हैं तो उनको अब जो किराए में वृद्धि भी हो गई है तो वही अब उनके ऊपर करीब 10% का भार अतिरिक्त लगेगा। जी श्वेता, जानकारी के लिए धन्यवाद।